नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा कि अपराजिता गोकर्ण या बटरफ्लाई पी वाइन की केयर कैसे करनी है, इसे कैसे उगाना है और भी कई बातें आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आप देखिए ये मेरे वाइन्स, मेरे पास तो और भी है बालकनी में, तो मैंने और भी लगाई है, ये तो ऊपर वाली है। तो शाम का टाइम है दोस्तों, तो इसके फूल देखिए अभी बंद होने लगे हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये वाली सफ़ेद फूल है, ये वाली ब्लू है और ये वाली ब्लू और वाइट का मिक्स है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं हल्का सा इसमें ब्लू कलर है। तो ये वाइन आप पूरे साल भर उगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे आप सिर्फ बारिश में उगाएं। इसके सीड्स होते हैं जिसे आप बारिश में लगाएं और फिर ये ठंड तक आपको बहुत सारे फ्लावर्स करते रहेंगे, और फिर ठंड के बाद इसकी पत्तियां मर जाएगी और बारिश में इसकी वापस न्यू ग्रोथ हो जाएगी। तो ठंड में जब इसकी पत्तियां मरने लगेंगी तो आप इसकी कटिंग कर दीजिए। वैसे तो ये पूरे साल भर रहती हैं अगर आपका टेम्परेचर गर्म हो। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हो तो ये वाइन वहाँ पर मरने लगेगी, और इसके सीड्स आप कलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, हर फूल गिरने के बाद, ऐसा हर फूल गिर जाएगा तो देखिए ऐसे सूखने लगता है वो, और सूखने के बाद देखिए नीचे से ऐसे इसमें फली आने लगती है। ये देखिए इसमें ढेर सारी फलियां हैं, ये देखिए ढेर सारी इसमें जो है फलियां हैं। हर फली में लगभग 10 से 12 सीड्स होते हैं। इस वाइन को आप छोटी से छोटी बॉटल में भी लगा सकते हैं, और देखिए बड़े से बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए आप, मैंने बहुत सारी इसमें वाइन्स लगा रखी है और मैं इनकी कटिंग करता रहता, तो इसकी वजह से इन पर ये पूरा भर गया था, लेकिन मैंने इसकी कटिंग कर दी, अभी न्यू ग्रोथ वापस स्टार्ट हो गई है। तो इसमें अभी सीड्स बनने लगे हैं। तो इस वाइन को आप अकेले पॉट में भी लगा सकते हैं और इसे आप दूसरे प्लांट के साथ भी लगा सकते हैं। मैंने आपको गणेश वेल मेरी दिखाई थी साइप्रस वाइन, देखिए उसमें अभी सीड्स तैयार होने लगे हैं, सभी उसकी फूल अभी गिर गए हैं। तो मैंने इस वाइन को, इन दोनों को इस चांदनी के प्लांट में लगा दिया है। ये देखिए आप इसका तना, तो ये किसी भी पॉट में आपकी लग जाएगी, छोटी सी छोटी जगह में भी अच्छे से चल जाएगी, और बड़ी जगह में तो ये अच्छे से चल ही जाएगी। ये देखिए इसमें कितने सारे, ढेर सारे इसमें सीड्स तैयार हो रहे हैं, और ये तो खैर अच्छे पॉट है, मैंने इसमें लगा दिया था। और ये वाला देखिए आप, ये मेरा ऑयल का कैन है, ये आप देख पा रहे 5 लीटर का जो है ऑयल का कैन है, इसमें भी ये आराम से बहुत हेल्दी लग रहा है, इसमें भी अच्छे से चल रहा है। इसमें खैर मैंने सब्जा के भी प्लांट्स लगा दिए हैं, फिर भी ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रो हो रहा है। सबसे बेकार मेरी सॉइल मैंने इसमें डाली थी, फिर भी अच्छे से चल रहा है। तो इस वाइन को कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही देखिए अपने आप ही इस पर चढ़ रही है, अपने आप ही इसमें फूल आ रहे हैं। तो गोकर्ण को, इसके फूल जो हैं गाय के कानों जैसे लगते हैं, इसीलिए इसे गोकर्ण कहते हैं, इसे शंख पुष्पी भी कहते हैं, और हिंदी में इसे अपराजिता कहते हैं, मराठी में इसका नाम गोकर्ण है, इंग्लिश में इसे बटरफ्लाई पी कहा जाता है, और हिंदी में तो इसे अपराजिता कहते ही हैं। तो ये वाइन बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक है, इसकी बहुत ज़्यादा आयुर्वेद में बताया गया है इसके उपयोग को, और थाईलैंड में और वियतनाम में तो इसके ये अधपके सीड जो होते वे खाते भी हैं। मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया और करूँगा भी नहीं। तो इसके फूलों की वे लोग चाय पीते हैं, इसके नीले फूलों की वे लोग जो है चाय पीते हैं, और सफ़ेद फूल भी होते हैं, सफ़ेद वैसे कम लोगों के पास होती है, नीले बहुत सारे लोगों के पास आपको दिख जाएगी। ये देखिए इसकी बड़, ये आप देख पा रहे हैं ये इसकी बड़ देखिए हल्की सी नीली है और आगे सफ़ेद है। तो इस वाइन को लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती, ये आराम से चल जाती है, आप इसे कैसे भी कंडीशंस में लगाइए। पानी इसे कम होगा तो भी चल जाएगा, ज़्यादा होगा तो भी चल जाएगा। इसकी सॉइल वैसे वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए,
मैंने इसके साइड में देखिए लिली के बीज लगा दिए हैं, तो ये बहुत सारी वाइन से इसकी वजह से बुशी हो गया है। अगर आप एक लगाएंगे तो ये ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ने लगेगा। तो दोस्तों होप करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इस शंख पुष्पी अपराजिता या गोकर्णों को कैसे लगाना है, इसकी केयर कैसे करनी है। वैसे ये वाइन कटिंग से भी ग्रो हो जाती है। इसकी कटिंग को आप निकाल कर जो है पॉली बैग में रैप करके इसे ज़मीन में लगा दीजिए, किसी पॉट में उसे उसके ऊपर पॉली बैग लगा दीजिए। हफ्ते भर में ही इसमें रूट्स तैयार हो जाएंगी, लेकिन सीड से ये प्लांट ज़्यादा जल्दी और अच्छा तैयार होता है बजाय कटिंग्स के। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अपराजिता, गोकर्ण या बटरफ्लाई पी वाइन को कैसे लगाना है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूले, और कोई आपको क्वेरीज हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, भले ही थोड़ा देर हो जाए लेकिन मैं आपको ज़रूर उसके आंसर दे दूंगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद।